हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के टास्क में आज आपको क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, क्या मैपिंग टास्क कवर करना है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आज से फुल न्यूज पेपर पढ़ना है। अभी तक आपको एडिटोरियल पढ़ने के लिए दिया जाता था, लेकिन अब आपको पूरा न्यूज पेपर पढ़ना है। लेकिन न्यूज पेपर कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी, क्योंकि न्यूज पेपर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप जो चीजें आपको नहीं पढ़नी, अगर वो चीजें आप पढ़ते हैं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के काफी इंपॉर्टेंट सेशन को। तो देखिए, आज आपको यहाँ पर आपकी तैयारी का 39वां डेज देखने को मिलेगा, और यहाँ पर 30 अगस्त है। तो आज आपको हिस्ट्री एनसीईआरटी जो 11th क्लास की आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम है द थीम्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, इसका थी यहाँ पर आप लोग इसका फ्रंट पेज भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। इसकी आपको यूनिट नंबर 3 पढ़ना है, यानी कि हिंदी में इकाई तृतीय है, वो आपको पढ़ना है। देखिए, आप लोगों के लिए काम टास्क दिया जाता है, तो आप लोग ऑन टाइम पर कवर किया करिए। तो देखिए, यहाँ पर न्यूज़पेपर भी आप लोग पूरा पढ़ा करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा करेगा। हम आपसे बोले थे ना, हल्के हल्के आप लोगों के लिए टास्क बढ़ाएंगे, जिससे आप हैबिट में आ जाएंगे। तो जो भी इस टास्क को डेली फॉलो करता होगा ना, अब उसकी हैबिट बन चुकी होगी, उसको कोई समस्या नहीं आती होगी। देखिए, आप स्टार्टिंग में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो इतना सारा टास्क रख लेते हैं कि उसको कवर ही नहीं कर पाते। देखिए, हमने वन बाई वन स्टेप आगे आपको ले गए, अब आपको टास्क जा करके थोड़ा सा हैवी मिलने लगा है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये वाली यूनिट पढ़नी है, जो चेंजिंग ट्रेडिशन आपको देखने को मिलेगा, इसको अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। नोट्स बनाना चाहते तो बना सकते हैं, अदरवाइज इसकी इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसको स्टोरी के फॉर्म में पढ़िएगा, हम बाद में वैसे भी इसको कवर करा देंगे। ओके, तो जो लोग बनाना चाहते हैं वो बना भी सकते हैं। इसके अलावा आपको देखिए रिवीजन करना है, तो रिवीजन किसका करना है, टैक्स नंबर 5 जो हम आपको पढ़ने के लिए दिए थे, तो उसका आपको रिवीजन करना है। टैक्स नंबर 5 में हम आपको क्या दिए थे, तो टैक्स नंबर 5 में हम 10th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए दिए थे, और कुछ मैपिंग टास्क भी आपको दिए थे। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग देख लिया करिए, जो लोग नोट किए होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बताया था कि टास्क आपको लिखते हुए चलना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हम आपको रिवीजन करने के लिए दिया करेंगे। तो देखिए, आपको जो टास्क नंबर 5 जितना भी हम दिए हैं जितने दिनों में, तो उसका आपको 1/3 रिवीजन करना है, यानी कि टास्क नंबर 5 को हम 3 दिन आपको रिवीजन करने के लिए देंगे। तो आप अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, और नेक्स्ट टास्क है वो आपको आज से एडिटोरियल नहीं बल्कि आपको यहाँ पर पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है। यहाँ पर हमने वो मतलब लिखा नहीं है, ये इधर एडिटोरियल लिख गया, लेकिन कोई बात नहीं, आज से आप लोगों के लिए पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है। ओके, तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है ये भी समस्या आती है, तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों को समस्या आ रही थी न्यूज़पेपर में, तो वो काफी समय पहले बनाई थी, लेकिन आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो कहाँ मिलेगी, हमारी इस वाली यूट्यूब चैनल पर नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से हमने एक नया चैनल बनाया था और उस पर वो वीडियो अपलोड की थी, जिससे कॉपीराइट ना आए। तो कॉपीराइट से बचने के लिए हमने दूसरे चैनल पे, तो वो आपको कैसे मिलेगा, तो हम नीचे लिंक दे देंगे। उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, बस आप लोग जाकर के वो वीडियो देख लेना। ओके, क्योंकि उसमें हमने पूरा न्यूज पेपर दिखाया, तो कॉपीराइट आ जाता है, तो उससे बचने के लिए हमने दूसरे चैनल पर डाले। तो जाकर के सिर्फ वीडियो देख लेना है, देख लीजिएगा, ये उसका लिंक है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर ना मिले तो मैसेज कर दीजिए, हम पर्सनली भी आप लोगों को सेंड कर देंगे। ओके, उसमें हमने साफ विस्तार में आपको बताया किस तरह से नोट्स बनाने हैं, किस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर के कौन से पार्ट को पढ़ना है, कौन से पार्ट को नहीं पढ़ना है, कौन कौन सी न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट होती है, सारी चीजें साफ विस्तार में बताई गई है। तो जाकर के देख लीजिए, बहुत साफ विस्तार में उसमें पढ़ा है हमने। इसके अलावा देखिए, आपको लाइव क्लास है जो 6 बजे आप लोगों की होगी, 3 बजे आज आप लोगों की क्लास नहीं होगी। ओके, तो आप लोग कहेंगे सर 3 बजे वाली क्लास है, डेली ऑफ रह रही है अभी, अब तो पीसीएस स्टार्ट कर दी थी, तो पीसीएस है वो, वैसे आज क्लास होने वाली थी, लेकिन आज से हमारे अंकल जी हैं वो आ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हम बिजी रहेंगे उस समय, तो इस वजह से क्लास ऑफ रहेगी, सिर्फ आज क्लास ऑफ कर होगी। फिर उसके बाद वैसे भी देखिए उसकी 15-20 क्लासेस ही बची हैं, पीसीएस वो हमारा फिनिश हो जाएगा, तो 15-20 क्लास टेंशन नहीं लेना है आप लोगों के लिए बिल्कुल भी। इसके अलावा देखिए, मैपिंग टास्क की अगर हम बात करें, तो अफ्रीका की कुछ फिजिकल लोकेशन है वो आपको सर्च करनी है। तो देखिए, हम लोग देखिए यहाँ पर आपको मेडागास्कर तक आपको कल बता दिए थे ना, तो मेडागास्कर से आगे इस तरह से आप टहलते हुए जाइएगा, और टहलते हुए इस तरह से जाएंगे तो आपको सारी की सारी लोकेशन मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं सारी लोकेशन के बारे में, तो थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर देते हैं, हमने यहाँ पर कुछ चिंगापोती कर दिया है। तो देखिए, आपको पहला देखने को मिलेगा मापुटो। अब मापुटो कहाँ पर है, तो देखिए आपको यहाँ पर ही मापुटो देखने को मिलेगा। देखिए, हम थोड़ी सी लोकेशन बता देते हैं जिससे आप लोगों को खोजने में परेशानी ना हो। ओके, तो
मापुटो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मापुटो के आगे थोड़ा सा आप लोग देखिए इसी तरह से साउथ में थोड़ा सा जाएंगे टहलते हुए घूमते हुए, तो मैप कैसे देखना होता है जैसे आप अपनी गलियों में घूमते हैं उसी तरह से मैप को बड़ा करिए, रटा नहीं जाता है कभी मैप को। फिर आपको देखिए एलगोआ बे देखने को मिलेगा, तो देखिए थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको एलगोआ बे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आप लोग थोड़ा सा आगे आएंगे तो केप ऑफ गुड होप आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए ये है केप ऑफ गुड होप आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसी रास्ते से ऐसे होते हुए आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे नाभिक थे जो भारत की खोज में निकले थे, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे भी कि किस तरह से यहाँ पर इसका नाम केप ऑफ गुड होप पड़ा, तो सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। अभी आप लोगों को सिर्फ लोकेशन देखना है, इसके अलावा देखिए सेंट हेलेना भी आपको देखने को मिलेगा, तो सेंट हेलेना भी कहाँ पर है देखिए यहाँ पर आपको नामीबिया है ना, तो नामीबिया के पास में यहाँ पर आपको ये वाली लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ओके नहीं सेंट हेलेना है वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा, जहां पर केप ऑफ गुड होप है ना उसके थोड़ा सा ऊपर आएंगे तब आपको देखने को मिलेगा। ये बेल्विस बे है ये आपको यहाँ पर नामीबिया के पास में देखने को मिलेगी। ओके यहाँ पर है बेल्विस बे आपको देखने को मिलेगी। फिर देखिए यहाँ पर गल्फ ऑफ गिनी देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ गिनी क्या है तो ये वाला जो है ये गल्फ ऑफ गिनी के नाम से जाना जाता है, इसी में आपको कुछ लोकेशन देखने को मिलेंगी। ये पूरा जो रीजन आपको इतना बड़ा देखने को मिलेगा ना ये पूरा गल्फ ऑफ गिनी के नाम से जाना जाता है, तो इसमें चलिए कुछ लोकेशन है तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए साउथ ओम देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से साउथ ओम देखने को मिलेगा, और यहाँ पर बायोको है वो थोड़ा सा ऊपर ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके और फिर देखिए यहाँ पर नाइजर डेल्टा देखने को मिलेगा, नाइजर नदी है ना उसका डेल्टा आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा, तो देखिए ये नाइजर रिवर है तो इसका डेल्टा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको देखिए स्लेव कोस्ट देखने को मिलेगा, देखिए ये स्लेव कोस्ट है ना, देखिए मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ फिर आपको अच्छे समझाता हूँ। ये देखिए ये जो दिख रहा है ये क्या है, इस तरह से स्लेव कोस्ट है, और देखिए जो स्लेव कोस्ट है वो ब्राइट ऑफ बेनिन में, ब्राइट क्या होता है गल्फ का ही एक तरह से एक आपको रूप देखने को मिलेगा, बस ब्राइट में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए आपको बता देते हैं हम यहाँ पर कुछ चीज ऐड नहीं किया एक्स्ट्रा, चलिए यहाँ पर ही बता देते हैं। जैसे हम आपको बताए थे जो खाड़ी होती है, ओके आप लोगों ने सुना होगा खाड़ी के बारे में, सुना होगा थोड़ा बहुत आपको बताए भी थे हम, तो खाड़ी होती है तो उसका मुंह थोड़ा सा क्या होता है सकरा होता है। ओके लेकिन आप ब्राइट देखेंगे ना वो उसका मुंह होता है वो सकरा नहीं होता है, बल्कि आप देखेंगे बहुत ज्यादा ऐसे फैला हुआ होता है, खुला मुंह ज्यादा होता है। ऐसे मुंह क्या होगा ज्यादा खुला होगा, आपको आप लोगों ने अगर हमारी एक वीडियो देखी होगी जिसमें हम आपको मैपिंग पढ़ा रहे थे, तो मैपिंग में हमने एक वीडियो सेंड की थी कि मैप को पढ़ने से पहले आपको ये लोकेशन जाननी चाहिए, तो वहां पर हम ब्राइट के बारे में बताए थे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ओके उसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर ये स्लेव कोस्ट देखने को मिलेगा, स्लेव कोस्ट से आगे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर ही आपको गोल्ड कोस्ट देखने को मिल जाएगा, और गोल्ड कोस्ट के बाद में यहाँ पर केप 3 पॉइंट देखने को मिलेगा। हमने लिखा नहीं केप 3 पॉइंट, अच्छा आगे पेज पे होगा, तो देखिए केप ऑफ 3 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। केप ऑफ 3 पॉइंट क्या है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए आइवरी कोस्ट देखने को मिलेगा, ये आइवरी कोस्ट है। थोड़ा सा आगे आगे जाएंगे तो यहाँ पर गेन कोस्ट देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर आपको गेन कोस्ट देखने को मिलेगा। और फिर आपको केप ऑफ बर्डे आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए ये क्या है एक केप ऑफ बर्डे है। फिर आपको केप ऑफ ब्लांस देखने को मिलेगा, तो वो यहाँ पर केप ऑफ ब्लांस यहाँ पर है। फिर आपको केनेरी द्वीप देखने को मिलेगा, केनेरी द्वीप क्या है यहाँ पर देखिए छोटा छोटा आपको द्वीप दिख रहा है ना, यहाँ पर ही क्या है एक केनेरी द्वीप आपको देखने को मिल जाएगा। ओके और फिर इधर आएंगे तो जिब्राल्टर जलसंधि से होते हुए फिर से मेडिटेरियन सी में पहुंच जाएंगे, तो इधर की लोकेशन हम पहले ही देख चुके, तो इधर क्यों जाएंगे बार बार नहीं जाना है। अब देखिए कुछ गलियां ऐसी होती हैं जहां आपको जाए बिना चैन नहीं मिलता होगा, मतलब कुछ गलियां ऐसी होती है तो अगर आपको चैन नहीं मिलता तो आप लोग घूम भी सकते हैं। जैसे कुछ गलियां होती हैं जिनसे बहुत मोहब्बत होती है कि अगर मम्मी कहती है जाओ दूध ले आओ बेटा जा करके, जाओ बेटा ऐसी चीज ले आओ सब्जी जा करके, तो भले पीछे होती है गली लेकिन उसी गली से जाते हैं, उसमें कुछ इमोशनल अटैचमेंट होता है, लेकिन कोई बात नहीं आप लोग अगर घूमेंगे तो यहाँ पर फायदा मिलेगा, वहां घूमेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा, वहां ज्यादा भटकाओगे, तो उन गलियों में भटकने से अच्छा है कि यहाँ आप भटका करें आकर के, जब भी आपका मन ना लगे तो मेरी गली चली आना, तो ये वाली कौन सी है आपकी गलियां हैं इनमें थोड़ा सा टहला करिए। ओके कभी उत्तरी अमेरिका कभी दक्षिणी अमेरिका की कभी यूरोप की कभी एशिया की कभी अफ्रीका की, तो आपको क्या हो जाएगा अच्छे से सारी चीजें याद हो जाएंगी। ओके और आप लोगों की IRK क्लासेस हैं वो बहुत ही प्रीमियम क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों ने कल क्लास देखी थी 6 बजे और आप लोगों को बहुत पसंद आई, उसी तरह से आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ में सारी क्लासेस दी जाएंगी। आप लोग आकर के ज्वाइन करिए जो भी न्यू मेंबर है, शाम को 6 बजे
लाइव क्लासेस आप लोगों की चलती हैं यूपीएससी और टीसीएस पर। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर है वो यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आप लोगों के लिए इसी तरह से हम सारी चीजें हैं वो लाते रहते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 3 बैचेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें एक आईएएस का, 2 पीसीएस के बैच आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए आज पीसीएस की क्लास नहीं चल पाएगी, ये हमारे पर्सनल रीजन की वजह से नहीं चल पा रही है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर आईएएस की क्लास है वो देखिए कभी ऑफ नहीं होती है, शाम को 6 बजे चलती है। हम किसी भी तरह से कोशिश करते हैं कि शाम को कभी क्लास ऑफ ना हो, तो कभी भी शाम वाली क्लास है। बाई चांस ही शायद कभी ऑफ हुई होगी, लेकिन कभी हम ऑफ नहीं करते। हम पूरी कोशिश करते हैं कि शाम को 6 बजे तक हम आ जाए, क्योंकि शाम की 6 बजे वाली क्लास है वो आईएएस वालों की भी होती है, बीसीएस वालों की भी होती है, सभी की होती है, क्योंकि वहां पर कॉमन सब्जेक्ट भी आपको कवर कराए जाते हैं। ओके, तो इस वजह से कभी हम नहीं चाहते कि सभी की क्लासेस ऑफ हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, इसी तरह से अपना प्यार